इस उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में श्री बसंत कुमार जी का नाम प्रपोज हम लोग ने किया। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आदरणीय भैरवनाथ जी की तरफ से, आदरणीय गोपाल राम जी की तरफ से और हम सब की तरफ से बसंत कुमार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये इलेक्शन हम लोग कांग्रेस के पक्ष में लाने की स्थिति में होंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी एडवोकेट बसंत कुमार को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। यहां आयोजित एक बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने टिकट की घोषणा की। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी तथा बढ़ती अराजकता सहित बागेश्वर के विकास के एजेंडे को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि युवाओं को रोजगार के नाम पर नौकरियों को बेचा जा रहा है, मंत्रियों के बच्चों को मनमाने ढंग से नौकरी दी जा रही है, प्रदेश में अराजकता चरम पर है तथा कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। पार्टी प्रत्याशी एडवोकेट बसंत कुमार ने कांग्रेस हाईकमान का आभार जताते हुए कहा कि वह बागेश्वर के सर्वांगीण विकास का एजेंडा लेकर जा रहे हैं। पिछले 15 साल से बागेश्वर का विकास ठप हो गया है, स्वास्थ्य शिक्षा सहित सड़कों का विकास करना उनकी प्राथमिकता है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष भगवत सिंह डसीला, कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण आदि मौजूद थे। देखिए, बसंत कुमार जी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और निश्चित रूप से एक लोकप्रिय और एक मजबूती के साथ जिन्होंने यहाँ की आवाज़ को, कमज़ोर तबके की आवाज़ को, सर्व समाज की आवाज़ को हमेशा बल दिया है, आज वह विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है कांग्रेस ने और आदरणीय अध्यक्ष जी से लेकर, प्रदीप टमटा जी से लेकर सभी हमारे साथियों ने सबकी राय से, सर्वसहमति से बसंत जी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और केंद्रीय नेतृत्व ने उस पर मुहर लगाई है। और हमारा मानना है कि जिस तरह के हालात प्रदेश के हैं, देश के हैं, परिवर्तन चाहता है और बागेश्वर की, बागनाथ भगवान बागनाथ जी की पवित्र धरती से निश्चित रूप से संदेश पूरे देश में जाएगा। जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चाहे किसी कौम हो, चाहे दलित हों, शोषित हों, वंचित हों, डरा सहमा सा है और पूरे प्रदेश में आपदा से प्रभावित प्रदेश बन चुका है और किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। खनन माफियाओं का यहाँ बोलबाला है, तमाम विषय हैं, तमाम बिंदु हैं, तमाम मुद्दे हैं, उसको लेकर निश्चित रूप से हम जनता के बीच में जाएंगे और मेरा मानना है कि जिस तरह का माहौल, वातावरण है बागेश्वर में, निश्चित रूप से कांग्रेस की जीत होगी और लोकतंत्र की जीत होगी, संविधान की जीत होगी और आम जनता की जीत होगी। देखिए, हमने बसंत कुमार जी को तय किया हाईकमान से और आदरणीय यशपाल आर्य जी, प्रदीप टमटा जी, हम सब ने ये तय किया है कि बसंत कुमार जी को ही किया जाए, क्योंकि संघर्ष लंबा रहा है और लोगों से उनका काफ़ी जुड़ाव है और निश्चित तौर पे कांग्रेस का जो कैडर वोट है और बसंत कुमार जी की जो अपनी मेहनत है वो एक नया बागेश्वर का इतिहास लिखने का काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है और बसंत कुमार जी ही कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। बीजेपी ने एक सवाल उठाया कि सर, जब ज्वाइनिंग आज हो रही है तो पैनल पहले कैसे बन गया, तो क्या बीजेपी को अपनी चिंता करनी चाहिए, अपने गहरेबान में झांकना चाहिए। सत्ता है, मुख्यमंत्री है, सरकार है, उनके कैबिनेट मंत्री की मृत्यु हुई है लेकिन आज तक वो अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं। ये राजनीतिक निर्णय है और ये एक दिन में नहीं लिए जाते। आदरणीय साथियों को, चाहे वो भैरवनाथ जी हैं, गोपाल राम जी हैं, चाहे ये हैं बसंत जी, चाहे कमल भाई हैं, अन्य लोग हैं, इन सबसे हम लगातार, मैं, यशपाल आर्या जी, प्रदीप टमटा जी, हमारे यहाँ के जो लोकल के लीडर्स हैं, हम सब लोग लगातार संपर्क कर रहे थे और जो चार लोगों का पैनल मांगने की एक रिवायत है, उस रिवायत के तहत हमने चार नेताओं के नाम भेजे थे
और उसमें निश्चित तौर पर जिनकी ज्वाइनिंग की उम्मीद हो, जिनसे बातचीत हुई हो कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, उनका नाम जाना एक साधारण सी बात है। हमने अपने परिवार में किसको पत्र लिखा, क्या उसका जवाब आया, इसकी सूचना हमको बीजेपी को देने की आवश्यकता नहीं है। और चिंता में है भाजपा, और ये जनता में भी बातचीत थी। और जब हमने एक सर्वे कराई थी आदरणीय यशपाल आर्य जी और मैंने, उसमें जनता की तरफ से भी ये था कि अगर कांग्रेस बसंत कुमार जी को या भैरव नाथ जी को अपना कैंडिडेट बनाएगी तो ये दोनों ही बहुत ही मुफीद कैंडिडेट कांग्रेस के लिए होंगे और कांग्रेस विजय प्राप्त कर सकती है। और कल भैरव नाथ जी से बातचीत के बाद, बसंत जी से बातचीत के बाद, हम सारे यहाँ के लोकल जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष जी, यहाँ के हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी, पुराने अध्यक्ष पाठक जी, आदरणीय प्रदीप टमटा जी, क्योंकि यहाँ से सांसद भी रहे हैं परसवान जी, और हमारे जो प्रमुख जी हैं पुराने टंगड़िया जी, इन सबसे जब बातचीत हुई तो एक निष्कर्ष निकला कि बसंत कुमार जी क्योंकि पिछले बार 16,000 से ज़्यादा वोट लाए, जबकि आपका अपना जो वोट परसेंटेज है वो 3% से कम है इस प्रदेश में, तो ये साफ था कि बसंत कुमार जी की अपनी मेहनत भी है और उनके पास एक कैडर वोट अपना भी है। और 20,000 के आसपास कांग्रेस को मिनिमम वोट हमेशा पड़ा है, क्योंकि इतना कैडर वोट है, चाहे वो कोई लड़ा हो आज तक कांग्रेस से, 20 से नीचे 19-20 हज़ार तो वो पढ़ते ही पढ़ते आज जब सबसे ख़राब स्थिति है। तो हमने वो भैरवनाथ जी का जो वोट परसेंटेज है, इनका है, कांग्रेस का है, ये सब मिला के हम बड़े हैं। महंगाई की वजह से, महिलाओं के उत्पीड़न की वजह से, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के अपमान की वजह से, किसान आंदोलन, भर्ती घोटालों की वजह से बीजेपी का वोट परसेंटेज घटा भी है। तो वो सब मिला के मैं ये मानता हूँ अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस इस चुनाव को 10,000 से ज़्यादा अंतरों से जीतेगी। कई बार आरोप भी लगते आए हैं, तो क्या इस बार अलग देखने? देखिए, आरोप तो बंसीधर भगत जी पे भी लगे थे हल्द्वानी में, अलग अलग मैं बता रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पैनल के आने, आज बीजेपी की सरकार में आधे से ज़्यादा मंत्री कांग्रेस के हैं, तो ये चीज़ें तो अब जिससे हमारी लड़ाई है उसके परिपेक्ष में अब ये सवाल जो है बौने हो जाते हैं, क्योंकि चाहे वो केंद्र में देख लीजिए, जो हमारे प्रभारी थे वो उनके कृषि मंत्री थे, इस समय उनके पास योगी लोग नहीं हैं, इसीलिए तो कांग्रेस के ही लोग जो है वहाँ मंत्री बनते हैं। चंदन राम दास भी कांग्रेस की पाठशाला से निकले थे, तो हमसे ये प्रश्न नहीं करिए, क्योंकि हम जिनको अपनी पाठशाला में लाए हैं वो कांग्रेस की विचारधारा उनके पिताजी के समय से मानते हैं। ठीक है, वो थोड़े समय के लिए कहीं गए भी थे, वापस अपने परिवार में लौटे हैं, मैं ये नहीं कहता हम कहीं और से लाए, घर से कहीं बाहर गए थे, वापस अपने घर में आए हैं, तो कांग्रेस की विचारधारा और इत्यादि से सब चीज़ से वाकिफ है। और ये अच्छा भी होता है, जब आदमी भटक के वापस अपने घर आता है तो ज़्यादा मजबूत होकर घर आता है, और वही बसंत कुमार जी के देखिए ये वही कह सकता आरोप, और ये आरोप उसी ने लगाया होगा जो खुद खरीद फरोख्त करता हो। 17 विधायक हमारे उन्हीं ने, 9 विधायक उन्हीं ने हमारे खरीदे ना, इन 9 सालों की सरकार में पूरे देश में 10 जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें खरीद के किसने गिराई, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, देश की पब्लिक भी जानती है। तो खरीद फरोख्त का काम तो वही करते जो व्यापारी होता है, प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग रख दिया, योजना आयोग का नाम नीति आयोग, प्लायन आयोग का नाम, वो मोहर लगाने का काम व्यापारी करते हैं। और बीजेपी जिससे हमारा मुकाबला है वो राजनीतिक पार्टी नहीं, एक व्यापारिक पार्टी है, और खरीद फरोख्त का काम वही करती है। पैनल में और जो सदस्य हैं सर जो टिकट से वंचित हुए, तो उनमें क्या सहमति है? देखिए, आपके साथ बैठे हैं तीनों वरिष्ठ जन, साथ में बैठे हैं आदरणीय भैरवनाथ जी हैं, आदरणीय गोपाल राम जी हैं, आदरणीय भाई हैं, एक भाई और जो था वो भाग गया, तो वो तो रावत जी ने ओएसडी बनाया, चेयरमैन का टिकट दिया, विधायक का टिकट दिया, पिताजी को अविभाजित उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाया, लेकिन अफसोस है ना वो अपने पिता से, ना पार्टी में इतने वर्ष रहने के बाद भी कांग्रेस की आइडियोलॉजी को नहीं समझ पाया, ना कांग्रेस को समझ पाया। देखिए, चुनौती तो है ही, जब ईमानदारों की भ्रष्टाचारियों से लड़ाई होती है तो चुनौती होती है, क्योंकि वो अपने नैतिक मूल्यों से हटकर भी लड़ाई को लड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ जो है वो नैतिकता का एक दायरा रहता है, नैतिकता की सीमा रहती है, नियम कानून भारत के संविधान को मानने वाले लोग हम हैं, तो चुनौती तो होगी ही, क्योंकि भ्रष्टाचारियों से देश को आज़ाद करना है, अत्याचारियों से देश को आज़ाद करना है, और इस प्रदेश की, इस विधानसभा की जनता को न्याय दिलवाने के लिए आगे आना है, तो चुनौती तो रहेगी। समय कम है सर, क्योंकि आपके कार्यकर्ता भी हैं और जगह जगह संगठन इतना नेटवर्क फैला नहीं है, तो कैसे मैनेजमेंट करेंगे? देखिए, आज की डेट में संगठन हमेशा बना रहता है,
अब आप वो पुराना समय छोड़ दीजिए, जब एक बार संगठन में दो दिन के लिए हम बाहर चले जाते थे तो लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते थे। हम जब से चुनाव में उतरे हैं 2022 से लेके अभी तक लगातार अपनी जनता से, अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से जुड़े हुए हैं और आज नया कुनवा हमने जोड़ा हुआ है, अपना परिवार बढ़ाया है। अब कांग्रेस का भी पूरा संगठन सब कनेक्ट हो चुका है। आज की डेट में नेटवर्किंग के माध्यम से बहुत जल्दी लोगों तक अपने मैसेज पहुंचाने में हम कामयाब हो जाते हैं। कितने टक्कर मानते हैं भाजपा से? टक्कर कितना मानते हैं का जहां सवाल है, इस टाइम भाजपा जिस तरीके के काम कर रही है, जितना अत्याचार समाज के साथ उन्होंने किया है और माननीय स्वर्गीय मंत्री चंदन राम दास जी के द्वारा जो काम किए गए हैं वो बहुत रिसेंटली हमारे सामने आया है कि उन्होंने दूसरे के जो जनता के बच्चों के रोज़गार को छीन कर अपनी बेटी को गलत तरीके से रोज़गार दिया, ऐसा सुनने में आया। तो मैं नहीं समझता कि कोई टक्कर उनके साथ हमारी है। आपको कौन नाराज लग रहा है, मेरे सामने लेके आ जाइए, मैं मना लूँगा, उनको हाथ जोड़ लूँगा, पाँव पढ़ लूँगा। रंजीत दास जी, देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं वेटिंग कैंडिडेट था, रंजीत दास जी फर्स्ट नंबर पर थे, उन्होंने जाकर जो है मेरे को वेटिंग को चांस दे रखा है और मैं आज भी उनको हाथ जोड़कर नमस्ते कहने को तैयार हूँ। सीसीएन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।